मतलब सही बताऊं तो ज्यादा पिछली नहीं, वीडियो में बोला था कि मैं मास गेनर शेक नहीं पीऊंगा, अब से मैं ओट्स। और अभी मुझे जाना है स्कूल, मेरी पूरी बॉडी दुख रही है और लैग। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग, और इसको इग्नोर करना। और अभी बज रहा है 8, और आज ऑटोमेटिकली मेरी नींद सुबह 7:30-8 बजे खुल गई थी। वैसे मैं जनरली 9 बजे तो उठता ही हूँ, और अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट अपना। तो चलो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मिलता हूँ आपको, बाय। मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट बना रहा था, और हाँ मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं मास गेनर शेक नहीं पीऊँगा, अब से मैं ओट्स खाऊँगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ मैं उन लोग के लिए बना रहा हूँ जो स्किनी है, मतलब जो पतले लोग हैं और जिनको वेट गेन करना है। तो ये एक रेसिपी वीडियो समझ लो। तो मैं ये जो मास गेनर बनाता था शेक, उसकी मैं रेसिपी बताऊँगा इसमें। आप वो ब्रेकफास्ट में ज़रूर लो, क्योंकि ये हाई इन कैलोरीज रहता है। इसकी कैलोरीज मैं आपको बता सकता हूँ 800 से 900 लगभग तो होगी। आप 800 से 900 कैलोरीज अगर आप ब्रेकफास्ट में ही खा रहे हो, और उसके बाद आप पूरे दिन में जो भी अपना लंच डिनर और जो भी स्नैक जो भी मील लेते हो वो सब वो मिला सब के आप मिला लो, आपके पूरे दिन की जो जो भी आप मील लोगे उन सबको मिला के, तो आप वैसे ही कैलोरीज सरप्लस में चले जाओगे, तो आप वैसे ही वेट गेन करने लगोगे। तो चलो मैं धीरे इसको बनाता हूँ और आपको बताते भी जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ डाली है। पहले तो मैंने इसमें ओट्स डाल दिया। अब ओट्स मैंने इसमें पहले इसलिए डाला है क्योंकि अगर मैं सब चीज़ डालने के बाद ओट्स डालूंगा तो जब शेक बन जाता है, मतलब जो उसके बाद पूरा बन जाता है, तो ये ऊपर ऊपर मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब मेरे को पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं पहले इसको पूरा ग्राइंड कर देता हूँ, इसका जो पाउडर रहता है पाउडर बना देता हूँ, उसके बाद फिर सारी चीज़ें डालता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें ये ओट्स डालता हूँ। ओट्स को पीस लोगे पूरा तो ये कुछ आटा जैसा लगेगा ऐसा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब अपन जब पूरा बना लेंगे तो उसमें ऊपर दिखेगा नहीं, मतलब पीते समय तो आपको लगेगा नहीं कि इसके जो छोटे छोटे पीस है ओट्स के वो आपके आ रहे हैं, मतलब बहुत गंदा लगता है वो, मैं सही बताऊँ तो इसलिए मैं इसको पहले पूरा पीस लेता हूँ। अब आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँ इसके, तो देखो आपको ड्राई फ्रूट्स चाहिए और दूध चाहिए 1 ग्लास, और एक बनाना और पीनट बटर, और ये बादाम मैंने कल रात को गलाए थे, तो इससे तो मैं सिर्फ काजू लूँगा इस वाले से, इसमें रखे हुए थे। तो बादाम आप 8 8 या हाँ 8 ले लेना। और शहद, अब देखो शहद नहीं है तो शक्कर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन शक्कर मैं प्रेफर करूँगा शहद यूज़ करो, शक्कर कम ही यूज़ करा करो दिन भर में। मैं तो सही बोलूँ शक्कर बहुत कम खाया करो, ठीक है। चाय वाय में चलती है निकल, अब इसमें तो मैं शहद ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो चलो मैं आगे बनाता हूँ इसको। अब ये हो गया है तो इसमें मैं डालूँगा पहले बादाम फिर केला। चलो मैं आपको, एक बनाना और एक चम्मच पीनट बटर, और 5 से मतलब 8 बादाम है और 5 से 6 काजू हैं, ठीक है। अब ये सब डाल दिया है, अब इसमें मैं पहले डालूंगा 1 चम्मच शहद, ठीक है। अभी शहद निकल जा भाई, ठीक है। 1 चम्मच नहीं, मैं और डालता हूँ, अभी इसमें 1 चम्मच शहद डालूंगा, रुक जाओ, और अभी और डालना है। हाँ बहुत इतना, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगा मैं, है ना, कितना सेक्सी लग रहा है यार, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको पीस लेता हूँ और आपको मिलता हूँ इसको, मतलब पीसने के बाद पूरा जब हो जाएगा फिर आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है। अभी मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, अभी इतना बचा है दूध। अब वो इसलिए क्योंकि ये जब मैं पूरा डाल दूंगा तो ये पिसता नहीं है अच्छे से, मतलब तो फिर थोड़ा सा पहले पीसूंगा फिर उसके बाद डालूंगा जितना दूध बचा है। दूध बचा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इसको मैं पीस लेता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। पूरा बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो कुछ समझ में आ नहीं रहा इसमें क्या डाला क्या नहीं डाला, मेरे को दूध के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनता है, चलो मैं इसको निकाल लेता हूँ अपने कप में, फिर इसको पीता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। पूरा कप भर गया, इतना पूरा कप ही भर गया, ये सही है। चलो इसको मैं पी लेता हूँ, और ये जो भी मैंने गंदा करा है इसको साफ कर देता हूँ, नहीं तो मम्मी मेरे को छोड़ेगी नहीं। और देखो आपके पास मतलब जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जैसे आपके पास ओट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओट्स मत डालो, पीनट बटर नहीं है मत डालो पीनट बटर, है ना। जो भी चीज़ है आप उसी का बना के पी लो। हाँ हो सकता है आपका इसको पीने के बाद पेट ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये हाई इन कैलोरीज है, एक पहली बार जब आप पियोगे तो हो सकता है आपका पेट ख़राब हो, लेकिन वो सिर्फ आप एक बार का ही होगा। देखो सबको नहीं होगा, लेकिन बता रहा हूँ कुछ लोगों को, तो ठीक है आप इसको रेगुलर पियो, अपने ब्रेकफास्ट में ऐड ज़रूर करो,
ये इतना हाई इन कैलरीज है, आप वैसे ही कैलरी सरप्लस में आ जाओगे, समझ रहे हो। तो चलो मैं इसको मतलब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। बाय। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी बज रहा है 11, और अभी मुझे जाना है स्कूल। और स्कूल इसलिए जाना है, इस बार मेरे काम से नहीं जाना है, मेरे छोटे वाले भाई के काम से जाना है। उसकी इस बार 10th क्लास है तो बोर्ड एग्जामिनेशन की कुछ फ़ीस भरनी है, तो वो फ़ीस भरने सबमिट करने जाना है। और कल शायद से मैंने लेग और शोल्डर का वर्कआउट इतना कर लिया कि मेरी पूरी बॉडी दुख रही है, और लेग तो इतने भयंकर दुख रहे हैं मैं बता नहीं सकता आपको। सुबह मैं जब सो के उठा तो मैं उठ भी नहीं पा रहा था, अब तो थोड़ा मतलब सही है। तो चलो मैं आता हूँ स्कूल से, आपको मिलता हूँ स्कूल से आने के बाद। बाय। सो गाइस मैं स्कूल से आ गया था और मैंने लंच भी कर लिया है, और अभी मैं फ्री बैठा हुआ था। अभी बज रहा है 2, तो अभी मैं फ्री बैठा हुआ था। मैं बहुत दिनों से एक वीडियो शूट करने की सोच रहा था, रिकॉर्ड करने की। उसका टाइटल ये है, 5 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बैक, या 5 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप और ट्राइसेप आर्म्स के लिए। तो वो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था रिकॉर्ड करूँ, निकल अभी टाइम नहीं मिल रहा था, कहीं कुछ काम पड़ जाता था, दोपहर के टाइम ही तो टाइम मिलता है मेरे को। और तो आज है फ्री बैठा हूँ तो मैंने सोचा कर ही लेता हूँ वो रिकॉर्ड, और चलो उसको बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ रिकॉर्ड करने के बाद। अभी तो मैंने सोचा ही है, अभी उसमें देखता हूँ कितना टाइम लगता है मेरे को, है ना। तो बताता हूँ आगे व्लॉग में कि हुआ कि नहीं वो वीडियो, अगर हो जाएगी तो कल या परसों डाल दूंगा, नहीं तो टाइम लगेगा उसमें भी, है ना। चलो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आपको मिलता हूँ रिकॉर्ड करने के बाद। बाय। और हाँ गाइस मैं आपको ये कैप का सीन बताता हूँ, आपने बहुत सारे व्लॉग में नोटिस करा होगा मैं कैप पहना रहता हूँ। देखो पहले मेरे बाल छोटे थे, अभी संडे को मैं बाल कटाने गया था, उसका मैंने व्लॉग तक बनाया था, ठीक है। संडे को मैंने व्लॉग भी बनाया था इसका, और मैंने सोचा कि बाल अच्छे हो जाएंगे तो कैप नहीं पहननी पड़ेगी। तो अब उसने मेरे बाल बहुत गंदे कर दिए थे, ठीक है। मैं आपको वो शब्द बोल भी नहीं सकता मेरे को क्या बना दिया था उसने, घर वाले देखते हैं। अब तो फिर भी बाल ठीक है, मतलब इतने ख़राब भी नहीं है। अब उसने मेरे बाल बहुत गंदे काट दिए थे मेरे को, मतलब मैंने वो जो व्लॉग रिकॉर्ड करा था ना, मेरे को वो तक नहीं मतलब वो तक नहीं डाला मैंने। जब मैं अंदर था मैं सोच रहा था हाँ यार बहुत अच्छा व्लॉग बन रहा है, व्लॉग डालूंगा, और जब मैं बाल कटवा के बाहर आया, मतलब बहुत गंदे बाल काटे थे उसने। मैंने पिछले आपने मेरे को पिछले व्लॉग में नोटिस करा होगा, मैंने क्या बोलते हैं वर्कआउट के टाइम तक टोपी पहनी थी, मतलब मैंने वर्कआउट के समय भी कैप नहीं उतारी थी, बहुत गंदे लग रहे थे बाल। मैं जनरली मतलब वर्कआउट के समय तो कैप उतार ही देता हूँ, बहुत गर्मी लगती है, निकल मैंने उस वाले ब्लॉग में नहीं उतारे थे, उतारी थी टोपी उस। अब तो फिर भी ठीक है, एक हफ्ता हो गया बाल कटाए हुए, एक हफ्ता नहीं मतलब 5 4 दिन ही हुए हैं अभी, तो अब तो ठीक है ना। और अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे जब कैप नहीं तो पहनूंगा। गाइस वो वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड हुई है अभी, और अभी जिम जाने का भी टाइम हो रहा था, मेरे को प्री वर्कआउट मील लेनी थी। और वो वीडियो मतलब सही बताऊँ तो ज़्यादा नहीं हुई रिकॉर्ड, निकल मैंने उसका जो भी कंटेंट है वो सब मेरे को पास है कि मेरे को क्या क्या उसमें मतलब बोलना है, वो सब मैंने स्टोर करके रखा है। अब शायद से उसको मैं कल रिकॉर्ड करूँगा, और क्योंकि कल अभी क्या ये व्लॉग मेरे को जिम का भी शूट करना है, फिर ये एडिट करूँगा ये वाला व्लॉग, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा मेरे को। अब मैं दोनों को एक साथ रिकॉर्ड वो नहीं कर सकता, रिकॉर्ड और एडिट, तो मैं उसको थोड़ा रोक के रखा हूँ। हो सकता है मैं कल उसको रिकॉर्ड करके फिर एडिट करके परसों डाल दूँ, या तो वो मंडे को ही आएगी अब, ठीक है। अब देख बता दूंगा मैं जैसा जो होगा। और अभी देखो अब, और ये मेरे को पिंपल और हो गया है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है ना। वैसे जनरली मेरे को पिंपल ज़्यादा होते नहीं है, निकल जब वो होता है तो मेरे को बहुत गंदा लगते पिंपल, है ना। तो चलो जिम को जाने का टाइम हो रहा है, और आज है बैक और बाइसेप का वर्कआउट, तो मैं जल्दी से अपना प्री वर्कआउट मील ले लेता हूँ, और चलो मैं आपको जिम में ही मिलता हूँ सीधे अब, है ना। बाय। To the bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away. Every other guy.
dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I'm fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my devil when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, yo. Standing there killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. I'm from the stage, on the bottom of my pain. I see a sun coming out of that rain. My day really not game, I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over, I'm जिम से घर आ चुका हूँ और ये पिंपल कितना दिमाग खराब कर रहा है, पता नहीं कब तक सही होगा। और ये ब्लॉग यहीं तक था, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बाय।